सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने की साजिश रखी जा रही है। जिन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिन लोगों को इस देश और समाज की भिन्न बेटियों के लिए मांग करनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा हो। जिस तरीके से राजस्थान में बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, जनजातीय दलित समाज की बहन बेटियों के साथ में घटनाएं बढ़ी हैं, विद्यार्थी परिषद लगातार इनको लेकर संघर्ष कर रहा है। सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र में विश्वास करने की बात करने वाले लोग आज लोकतंत्रवादी कहाँ चले गए, जो लोग एक सामाजिक संगठन को बंद करने की मांग करते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों को इस देश और समाज की बहन बेटियों के लिए मांग करनी चाहिए, जिन्हें न्याय दिलाना चाहिए, जिन्हें रक्षा करनी चाहिए, वो आज मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि राजनीतिक भेद को मिटाकर, राजनीति की द्वेषता को मिटाकर बहन बेटियों के सम्मान के लिए आगे आएँ और बहन बेटियों की लड़ाई लड़ें, उनके अधिकारों की उनकी रक्षा करें। जिस तरीके से दलित और जनजातीय समाज की बहन बेटियों के साथ राजस्थान में बलात्कार की घटनाएँ बढ़ी हैं, हम सब मिलकर मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, आप हमारे साथ में उन बहन बेटियों के संघर्ष की लड़ाई लड़ें। हम सब मिलकर उन्हें न्याय दिलाएंगे, उनके लिए मजबूत कानून बनाएंगे और फांसी की सजा हो, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा हो और उन्हें फांसी की फंदे तक लटकाने का प्रयास ही नहीं अपितु इसे संपूर्ण करवाएंगे। विद्यार्थी परिषद आपसे आह्वान करती है कि आप राजनीतिक द्वेषता त्यागिए और राजस्थान के लिए हम सभी बहन बेटियों के सम्मान में एक साथ लड़ाई लड़ें, क्योंकि आप जिसे राजनीतिक टूल देना चाहते हैं, इस राजनीतिक टूल देने से राजस्थान की बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। राजस्थान की बहन बेटियों को न्याय दिलाना है तो जनजातीय बहन बेटियों को न्याय दिलाना है तो आगे आना होगा हम सभी को मिलकर।